हेलो सलाम नमस्ते स्वागत है अकाल दोस्तों, मैं हूं नितेश सिंह। आप देख रहे हैं टेक्निकल नेविगेटर यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, अगर आप भी ट्विटर को एक रिसोर्स की तरह यूज करना चाहते हैं टू लर्न साइबर सिक्योरिटी फॉर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं ट्विटर के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स कि आप ट्विटर को कैसे एक रिसोर्स की तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। टाइम पास के अलावा आप इस पे बहुत चीजें सीख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ट्रेंडिंग सेक्शन देखने के अलावे बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे लिस्ट्स को आप यूज कर सकते हैं अपने लर्निंग के लिए, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा भी नहीं लगने वाला है गाइस। बस वीडियो को पूरा फॉलो करना है आपको एंड तक, एंड आपको ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करनी है ताकि उनको भी पता चले कि ट्विटर पे सिर्फ ट्रेंडिंग टॉपिक्स ही नहीं देखे जाते हैं, सिर्फ ट्रेंड्स ही नहीं देखे जा सकते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो ट्विटर पे की जा सकती हैं। और साइबर सिक्योरिटी में अगर आपको जाना है, इस फील्ड में है आप इसी फील्ड में बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, एक बिगिनर है, तो आपके लिए तो खैर ये एक तरह से भानुमति का पिटारा है जहां पे हर चीज अवेलेबल है और आपको सारी जानकारी जो है वो मिल जाएगी। मेरा मानना है गाइज 50% साइबर सिक्योरिटी के टॉपिक्स, 50% से भी ज्यादा बोल सकते हो आपको साइबर सिक्योरिटी के टॉपिक्स ट्विटर पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, पढ़ने को, सीखने को, जानने को, ट्विटर के थ्रू मिल जाएंगे। ट्विटर एक मीडियम होगा, ट्विटर के थ्रू आप वहां तक पहुंच जाएंगे। इतना भास्ट, इतनी बड़ी कम्युनिटी है ट्विटर पे साइबर सिक्योरिटी की, इंफोसेक की। तो चलिए देर किस बात की गाइस, चलिए चलते लैपटॉप स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आप इसका प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं ट्विटर का। ओके गाइस, लेट्स सी कैसे आप यूज कर सकते हैं ट्विटर को एक रिसोर्स की तरह। सो सबसे पहले तो मैं अपने ट्विटर अकाउंट पे चलता हूं, एंड ये रहा हमारा ट्विटर अकाउंट। एंड यहां पे गाइस सबसे पहली चीज जो फर्स्ट स्टेप है वो है हैशटैग्स। ट्विटर जो है वो पूरा का पूरा हैशटैग्स का गेम है। ट्विटर टोटल ट्विटर जो है पूरा का पूरा ट्विटर हैशटैग पे चलता है। हैशटैग्स का अगर सही से यूज करना आपको आता है तो आप काफी कुछ ट्विटर को काफी एक अच्छे रिसोर्स की तरह यूज कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी को लर्न करने के लिए। सबसे पहले ट्विटर पे जाइए आप, एंड गाइस आपको सर्च करना है कुछ हैशटैग्स। जैसे कि मैंने हैशटैग डाला एंड मैंने डाला बग बाउंटी, ठीक है। तो यहां पे आपको हैशटैग सर्च में मिलेगा बग बाउंटी टिप्स, बग बाउंटी राइटअप। ये तीनों हैशटैग्स को आपको जनरली फॉलो कर लेना है, या फिर आप ये कहें कि इन तीनों हैशटैग्स को आपको फॉलो करते रहना है। तो पहला हैशटैग है बग बाउंटी, ठीक है। आप यहां पे गाइस आएंगे यहां पे, तो आपको यहां पे बग बाउंटी से रिलेटेड बहुत सारे क्रिएटर्स के, बहुत सारे बग हंटर्स के, बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स के, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के आपको यहाँ पे पोस्ट्स मिलते रहेंगे। एंड गाइस यकीन मानो, यहाँ से, इन पोस्ट से आप जितनी चीजें सीख सकते हो ना एक जगह से, उतनी चीजें आप कहीं और से नहीं सीख पाओगे। गाइस आप देख सकते हो लाइक ये यूजर्स, जैसे एक्सेसेस के पेलोड्स आपको यहाँ पे, एक्सेसेस वैफ बाईपास पेलोड्स यहाँ आपको मिल रहा है, सब डोमेन टेक ओवर ड्यू टू नेम सर्वर रिकॉर्ड्स आपको उसके पोस्ट मिल रहे, उसकी जानकारी मिल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ टूल्स की जानकारी आपको मिल रही है। यहाँ पे आपको कौन कौन से जो कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो आपको बग बाउंटी में काफी हेल्प कर सकती है, वो सारी नॉलेज यहाँ पे आपको मिल रही है। ये आपका एक हैशटैग हुआ। उसके बाद गाइस बग बाउंटी टिप्स के बाद एक और हैशटैग आपको मिलेगा, वो है हैशटैग बग बाउंटी राइटअप्स, ठीक है। आपको ये वाला भी हैशटैग जो है इसको भी आपको फॉलो कर लेना है, ठीक है। आपने ये देखिए यहाँ पे हैशटैग, यहाँ पे ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसमें भी बहुत सारे पोस्ट्स हैं जिनको आप फॉलो करके काफी कुछ सीख सकते हैं। आपको कहीं से पेड कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपको सीखने को मिल रहा है, और क्या चाहिए गाइस। यहाँ पे और भी बहुत सारे हैशटैग्स आते हैं जो आप कर सकते हैं, लाइक हैशटैग इंफोसेक कर सकते हैं, हैशटैग साइबर सिक्योरिटी कर सकते हैं, हैशटैग एथिकल हैकिंग सीख कर सकते हैं, एथिकल हैकर सीख कर सकते हैं। बहुत सारे हैशटैग्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, एंड आपको वहां से काफी कुछ जो है वो जानकारी मिल जाती है। सो गाइस अब देखिए हैशटैग्स के बाद दूसरी जो चीजें आती हैं वो है बुकमार्क का। बुकमार्क का मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आपको कोई भी पोस्ट आप ब्राउज कर रहे हैं, लेट सपोज आपने यहाँ पे पोस्ट ब्राउज किया, आप बहुत सारे पोस्ट ब्राउज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड इसमें से कोई पोस्ट आपको काफी अच्छा लग रहा है, जैसे कि ये सब डोमेन इन्यूमरेशन टूल, ये एक पोस्ट आपको अच्छा लग रहा है, आपको चाहिए कि ये पोस्ट मैं कभी भी लेटर ऑन आऊं तो मुझे वो दिख जाए, मुझे वो पता चल जाए, ये आपको ऐसा चाहिए। तो इसके लिए गाइज आपको इस पोस्ट को सिंपली क्या करना है गाइज, आपको सिंपली बहुत ही आराम से, बहुत ही इजी वे में आपको इसको बुकमार्क कर लेना है। दैट्स इट गाइज। बुकमार्क करने के लिए सिंपल सा फंडा है गाइज, बहुत ही
बहुत ही सिंपल सा फंडा है गाइस। आप इसको यहाँ पे शेयर पे क्लिक करेंगे, शेयर पे क्लिक करने के बाद बुकमार्क का एक टैब आएगा, बुकमार्क पे क्लिक कर देंगे। बुकमार्क पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका ये बुकमार्क हो जाएगा पोस्ट, एंड यहाँ लेफ्ट साइड में बुकमार्क्स का एक मेन्यू आ रहा है, आप इस पे जब जाएंगे तो आपको वो बुकमार्क पोस्ट यहाँ पे दिख जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे बुकमार्क पोस्ट आपका दिख चुका है। तो आप यहाँ पे कैटेगराइज कर सकते हैं, जो जो पोस्ट आपको अच्छा लगता है आप उसको बुकमार्क करके कैटेगराइज कर सकते हैं, लेटर ऑन आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो तरीका है जिसको आप यूज कर सकते हैं, टू यूज ट्विटर एज अ रिसोर्स टू लर्न फ्री साइबर सिक्योरिटी, द नेक्स्ट इज मेजर थिंग, वो है लिस्ट का यूज करना। काफी लोग इसका यूज नहीं करते हैं गाइज। लिस्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको लिस्ट टैब पे आना है, यहाँ पे आके आप अपने नाम की अपने अपनी फेवरेट लिस्ट कुछ भी आप बना सकते हैं। न्यू लिस्ट पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे दीजिए, लाइक मैंने यहाँ पे दे दिया साइबर सेक। यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी दे सकते हैं, एंड लेट्स लेट्स डू साइबर हंटिंग। ठीक है, आपने कुछ भी यहाँ पे दे दिया, लाइक कुछ भी लिख दिया यहाँ पे, उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे कुछ सजेस्ट करेंगे ये कुछ प्रोफाइल जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। अगर आप इनको ऐड करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं अगर इनको ऐड कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी ऑब्जर्वेटरी, मैंने इनको भी ऐड कर दिया। चलो साइबर सिक्योरिटी बॉट, इसको भी ऐड कर दिया। वेक्टर स्टेक, इसको भी ऐड कर दिया। बहुत सारी जितने भी आपको लगता है जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पेजेस हैं, प्रोफाइल्स हैं, उनको आप ऐड करके डन कर दो, दैट्स इट। अब गाइज आप लिस्ट ऑप्शन पे जाओगे, एंड यहाँ पे जब आप साइबर सेक वाली लिस्ट ओपन करोगे गाइज, तो इसमें वही सारे ट्वीट्स होंगे जो उन पेजेस के द्वारा किए गए हैं, अपडेटेड ट्वीट्स। आपको एक जगह पे कलेक्शन मिल जाएगा, एंड आपको काफी कुछ जानने को सीखने को मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। लिस्ट का यूज जरूर से जरूर करना। जैसे कि आप होम पेज पे हो, आप कोई चीज ब्राउज कर रहे हो, साइबर सिक्योरिटी की चीज है, अगर आपको कोई चीज अच्छा लग रहा है तो आप यहाँ ऑप्शन पे जाओ, यहाँ पे आप कर दो ऐड और रिमूव फ्रॉम लिस्ट। आप ऐड और रिमूव पे करोगे, यहाँ पे बेसिकली आपको ऐड करना है कोई, जो भी आपने लिस्ट क्रिएट किया आपने लिस्ट उसको सिलेक्ट कर लेना है, सेव कर देना है, एंड आपका वो लिस्ट जो है वो अपडेटेड हो जाएगा, एंड ये जो पोस्ट है बेसिकली ये जो चीज है वो ऐड हो जाएगी लिस्ट में। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है गाइज, यहाँ पे जो प्रोफाइल है ये ऐड हो जाएगी, एंड आपको अब इनके प्रोफाइल से जो भी पोस्ट होंगे, जो भी अपडेट्स होंगे, आपको उस लिस्ट में आप जब साइबर सेक के अंदर जाते हैं तो आपको वहां पे मिल जाता है। इस तरीके से फ्री में लिस्ट का यूज करके आप सारी टॉपिक्स को अरेंज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है, काफी मजा आएगा गाइस, काफी मजा आएगा। लिस्ट का यूज जरूर से जरूर आप करें, ठीक है। ओके चलिए, इतनी सारी चीजें मैंने बताई गाइस। अब एक और चीज है गाइस, वो है ट्विट डेक। अगर जिनको नहीं पता, आप ट्विट डेक डॉट ट्विटर डॉट कॉम वेबसाइट पे आ जाएंगे, एंड यहाँ पे गाइज यहाँ पे ये जो पैनल है ये रियल टाइम में अपडेट होता है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि ये रियल टाइम में अपडेट्स होते हैं। यहाँ पे आप अलग अलग सेक्शंस बना सकते हैं खुद के, ठीक है, आप अलग अलग सेक्शंस खुद के बना सकते हैं, एंड आपको रियल अपडेटेड ट्वीट्स यहाँ पे रियल टाइम में मिल जाएगा। ये काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे मैंने बग बाउंटी का एक सेक्शन डाला है, एक बग हंटर वाला लिस्ट डाला हुआ, एक होम पेज डाल दिया है, एंड एक मैंने हैशटैग का डाल दिया। जैसे यहाँ पे मैं जो भी हैशटैग सर्च करना है, लाइक वो मैं हैशटैग सर्च कर सकता हूँ, एंड उससे रिलेटेड जो है मुझे ट्वीट्स मिल जाएंगे। जैसे मैंने सर्च करना है बग बाउंटी, तो मैंने सर्च कर दिया बग बाउंटी से रिलेटेड हैशटैग से जितने भी यहाँ पे ट्वीट्स आपको मिलेंगे वो यहाँ पे रियल टाइम में गाइस अपडेट होते हैं। ये सबसे बड़ी खास बात इसकी है। तो आप अगर ये ओपन करके बैठ जाते हैं, या फिर कोई बड़ी सी स्क्रीन आपके पास मॉनिटर है, एलसीडी मॉनिटर है, या कोई भी मॉनिटर एक्सटर्नल मॉनिटर है, अगर आप उसे कनेक्ट कर देते हैं अपने लैपटॉप को या मैकबुक को, तो आप वहां पे रियल टाइम अपडेटेड ट्वीट्स देख सकते हैं, काफी मजा आएगा। उसके अलावा यहाँ पे अपने से कॉलम ऐड भी कर सकते हैं, लाइक आप कोई यूजर कॉलम ऐड करना है, नोटिफिकेशन कॉलम ऐड करना है, लाइक्स के कॉलम ऐड करने हैं, मेंशंस वाले कॉलम करने हैं, मैसेज के डालने हैं, वो सारे आप कॉलम जो है अपने अकॉर्डिंग इसको ऐड कर सकते हैं, इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, लुक एंड फील चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफी ज्यादा ये हेल्प करेगा आपको ट्विटर पे एज रिसोर्स ट्विटर को यूज करने के लिए, जहां पे आपको फ्री में सब कुछ सीखने को मिलेगा। तो ट्विट डेक का इस्तेमाल जरूर से जरूर आप लोग करना। सो गाइस, आई होप आपको ये जो वीडियो है ट्विटर एज रिसोर्स टू लर्न साइबर सिक्योरिटी फॉर फ्री जरूर से जरूर पसंद आया होगा। इस सीरीज के और भी वीडियोस मैं लेके आऊंगा, लाइक और भी जो टॉपिक्स है, लाइक यूट्यूब, गूगल, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको मैं इस सीरीज में इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, जहां पे आपको मैं बताऊंगा कि उसको प्रॉपर कैसे यूज करना है। तो सबसे पहला काम गाइज क्या है, हैशटैग्स को जाइए, हैशटैग्स को आप सर्च कीजिए, उनको यूटिलाइज कीजिए, लिस्ट बनाइए, बुकमार्क्स कीजिए, आप टॉपिक्स को फॉलो कीजिए जो आपसे रिलेटेड टॉपिक्स है, ट्विट डेक को यूज कीजिए, ये काफी ज्यादा आपको हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच गाइज, इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन
जरूर से जरूर प्रेस कीजिएगा, तभी आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। एंड मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।